कभी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी कोई ऐसा किस्सा किसी ने भेजा हो जिसने मतलब कि हाँ ये तो माइंड ब्लो ही कर दिया है इसने। बहुत सारे हैं, मैं जब कई बार मैं स्टोरी सुनाता हूँ तो घुसबम्स तो आते ही आते हैं, वो कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है, थोड़ा बड़ा है, बहुत टाइम हो गया, किसी ने शेयर किया था मेरे साथ वो। तो कई बार जैसे अब जैसे लोग बात करते हैं कि पोजीशन होता है या नहीं होता है, तो एक प्रॉपर हिंदी बोलने वाले लोग जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है और वो आपके सामने इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, मतलब मैंने मैक्सिमम पोजीशंस में ऐसे देखा कि चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस आते हैं। जब कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो एक आदमी जो कभी किसी ने नॉनवेज टच नहीं किया, किसी ने कभी कोई अल्कोहल वगैरह टच नहीं किया, उन सबको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो ऐसी एक स्टोरी है, थोड़ी सी बड़ी स्टोरी, लेकिन आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना है? बहुत बार, मैं बचपन में गया हूँ वहां पे, एक बार छोटा था, उसके बाद आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं है वहां जाने की। बहुत छोटा था, शायद 7 साल के आसपास कहूंगा, तब ऐसे घर वालों के साथ गया था। तो वहां पे मैंने वो देखा ना, जो उनको वो जो पजेस लोग थे, वो उनके बिहेवियर देखे, तो मेरे को डर बैठ गया। मैं आज भी नहीं जा पाता हूँ, मेरा मन बहुत है पर मैं जा नहीं पाता, मुझे डर लगता है वहां जाने से अभी भी। तो पर अब तो खैर उतना नहीं जितना उस टाइम पर हुआ करता था। तो वहीं से रिलेटेड ये है वो स्टोरी, कि जब आपको कहीं जगह नहीं मिलती ना, तो आप वहां पहुंच जाओ मेहंदीपुर बालाजी, आपकी प्रॉब्लम्स का आपको 90% सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो मैंने ये भी पूछा था दादी से कि वहां पे ऐसा क्या है, तो उन्होंने बताया था कि होता क्या है ना, जब कोई इंसान साधना करता है, जो साधक होता है, तो वो क्या करते हैं ना, एक एरिया को बांध देते हैं। जैसे उन्होंने 5 किलोमीटर का एरिया बांध दिया, उस 5 किलोमीटर के एरिया में इन जनरल कोई भी नेगेटिव एंटिटी सस्टेन नहीं कर सकती, रह नहीं सकती है। तो ऐसे ही वहां पर रखा है कि वहां पे जो साधना करते थे बाबा जी, जो शुरू शुरू में बहुत पहले हनुमान जी की साधना करते थे, तो उन्होंने साधना बहुत अच्छे मन से की होगी, तो उनकी जो एनर्जी है वो वहां पे रह गई, और उस एनर्जी को से के थ्रू उन्होंने एरिया को बांध दिया। तो जब वहां जाते तो वहां कोई नेगेटिव एनर्जी सस्टेन नहीं कर सकती, इसलिए अल्टीमेटली उसको बाहर निकलना पड़ता है, ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो ये प्रयागराज की कहानी है। एक फैमिली थी, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक बच्चा था 3 साल की एज का। तो ये लोग शिफ्ट हुए, पहले दिल्ली में काम किया करते थे, फिर प्रयागराज शिफ्ट हुए, तो वहां पर एक छोटी सी सोसाइटी थी, उसके अंदर उन्होंने 1 BHK फ्लैट ले लिया। तो इनका 1 BHK फ्लैट था, उनके पड़ोस में इनके जो नेबर्स थे वो थे मिश्रा जी और उनकी वाइफ का नाम था इंदुमती। तो ये लोग आए, शिफ्ट हुए, पहले दिन था इनका, तो होता ही अपन आ जा रहे हैं सामान, तो नेबर्स देखते हैं, तो इन्होंने उनको देखा, बोले ठीक है। नेक्स्ट डे फिर वो जो इंदु जी थी तो बहुत मिलनसार टाइप की थी, तो वो अगले दिन इनके पास आ गई, बोले अच्छा आप नए शिफ्ट पे हो, तो बातचीत हुई इनकी कि हाँ ऐसा हुआ है। 2-3 दिन के बाद उन्होंने इनको डिनर पे इनवाइट कर लिया कि आप आओ, नेबर्स हैं, मिलना जुलना होगा। तो ये लोग वहां पहुंचे तो इंदु जी ने बहुत सारा खाना बनाया इनके लिए, बैठे, खूब बातचीत हुई। पूरी बातचीत के दौरान जो मिश्रा जी थे, उनके हस्बैंड, वो बिल्कुल शांत बैठे थे, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, कोई उनसे कुछ पूछता तो एक शब्द में जवाब देते, फिर चुपचाप अपनी दुनिया में खो जाते। ये लोग बातचीत करके आए तो उसकी वाइफ ने पूछा कि तुमने देखा मिश्रा जी बिल्कुल शांत थे? तो बोलते हाँ यार, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोलते इंदु जी ने बढ़िया उनको लीश कर रखा है कि मतलब मैं भी सीखूंगी उनसे कि अपने पति को कंट्रोल कैसे करते हैं। बोला हाँ ठीक है, सीख लेना क्या ही। तो ऐसी बातचीत चलती रही इनकी। अब ये हस्बैंड तो काम पे चले जाते थे, तो जो वाइफ रहती थी, तो वो इंदु जी से इनका 2-3 दिन मिलना शुरू हुआ। तो घर में छोटा बच्चा भी था, अच्छा इनके जो मिश्रा जी और इंदु जी थे, इनके बच्चा नहीं था, 2-3 बार ट्राई किया था, मिसकैरेज हो गया, उसके बाद कभी वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाई दोबारा से, तो बच्चों से उसको थोड़ा हो रहता था। तो ऐसे बैठे हुए थे घर के अंदर, इनके घर पे इंदु जी आई हुई थी, तो बच्चे को बुलाते आओ बेटा खेलो, तो बच्चा इंदु जी के पास नहीं गया, वो उनको देखे और देख के उनसे डरे, और डर के चुपचाप अपनी मम्मी गोद में जाकर बैठ जाए, अपनी मम्मी के पीछे जाकर खड़ा हो जाए, जितने ही बार वो उसको बुलाए, मतलब वो उनसे नजरें तक नहीं मिला रहा था। ठीक है, अब अनजान लोगों से बच्चे दूर रहते हैं, उसकी मम्मी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी चीजें चल रही थी, थोड़े बहुत दिन गुजरे, 20-25 दिन, पर 10-15 दिन ही हुए थे शायद। तो दिन रात को खाना वाना खा के डिनर करके लेटे हुए थे, तो फ्लैट्स की दीवार तो कनेक्टेड थी, तो एकदम दीवार पे एक थम्प, मतलब कुछ चीज किसी ने फेंकी दीवार के ऊपर, तो इसलिए डर जाते एकदम से, कुछ सोचते सर दोबारा आके दीवार के ऊपर कुछ अच्छी आके टकरा रही है, पड़ोस वाले फ्लैट में कोई दीवार पर कुछ चीजें फेंक के मार रहा है। तो उसने बोला कि ये क्या हो रहा है? तो बोलते पता नहीं मिश्रा जी के यहाँ से आवाज आ रही है, तो एकदम से किसी को चिल्लाने की आवाज आती है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब वो आवाज समझ नहीं पाते लेडी की थी या आदमी की थी। तो इधर से इसके भाई बोलती लग रहा है इनके घर में मारपीट है, लड़ाई हो रही है। तो उनको लग गया कि हाँ भैया पड़ोस वाले फ्लैट में लड़ाई हो रही है, फ्लैट्स में पता लग जाता है, चिल्ला चिल्ली चल रही है। तो बोलती कि कैसा आदमी है बताओ, अपनी बीवी को मार रहा है। तो बोलते हाँ लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन किसी के बीच में थोड़ा ना बोल सकते।
बोलते नहीं नहीं मैं कल इंदू जी से बात करूंगी। बोला नहीं तुम इन चक्करों मत पड़ो, उनकी लाइफ है जो भी है हो। तो उसने बोला चलो ठीक है, तो नहीं गई अगले दिन, कोई बातचीत नहीं की। फिर दो दिन बाद वापस से ऐसा ही सिनेरियो रिपीट हुआ कि जो उनका पड़ोस वाला फ्लैट है उनके खिड़की दरवाजे बज रहे हैं जोर जोर से, लड़ाइयाँ चल रही है, कोई बढ़िया मारपीट चल रही है इस तरह की। तो उसने बोला कि नहीं नहीं यार इतना मैं नहीं झेल सकती कि मेरे पड़ोस में एक लेडी की रोज पिटाई हो रही है, मतलब ये तो गलत बात है, तो मैं कल तो इंदू जी से बात करूंगी। तो अगले दिन जैसे इनके हस्बैंड का नाम अक्षय था, तो गए अक्षय, तो वो पहुंची और उनकी डोरबेल को रिंग करती है, गेट खोलती है, तो इंदू जी बिल्कुल बढ़िया चहकती हुई अच्छे से आती है। तो बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ। तो बोलती है इंदू जी आप ठीक हो। बोलते हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोलती अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। बोलते मेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उधर पीछे मिश्रा जी बैठे हुए होते हैं आराम से अपना मुंह लटकाए हुए, तो देखती है ऐसे, बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, चली जाती है। फिर दो तीन दिन के बाद वापस से ऐसे इंसिडेंट होता, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट था, हर दो तीन दिन में ऐसा होता ही होता था। रात के टाइम पर 10-11 बजे के आसपास के इंसिडेंट हुआ करते थे। तो वो वापस से जाती है, फिर से गेट नॉक करती है, बोलती है कि वापस देखते तो इंदू जी बिल्कुल परफेक्टली फाइन। अच्छा रात को जो चला उसको लगता है कि इंदू जी को बहुत बुरी तरह पीटा गया होगा, तो कहीं ना कहीं चेहरे पे निशान होंगे, कुछ ना कुछ है, कुछ भी नहीं बिल्कुल। बोलती कि इंदू जी अगर आप कुछ शेयर करना, मतलब गई वहां पे चाय वाय पी, बोलती कि आप कुछ शेयर करना चाहती तो आप मुझसे कर सकती हो, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो बोलती मेरे को कुछ शेयर करना ही नहीं, मतलब क्या शेयर करवाना चाहती हो तुम बताओ। बोलते अगर आपकी और मिश्रा जी की कोई बातचीत हो, लड़ाई वड़ाई हो गई हो, तो आप मुझे बता सकते हो। बोलते कुछ भी लड़ाई नहीं हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब वो पूछ भी नहीं सकते डायरेक्टली कि नहीं नहीं है, सही बात है कि कैसे पूछे। तो बोलती आप श्योर हो। बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ ना तो मुझसे क्या पूछना चाहती हूँ, तो मैं वो बता देती हूँ। बोलती नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं बता, ऐसे ही पूछ रही थी अगर क्या होता हस्बैंड वाइफ में दिक्कत होती है, तो अगर ऐसी कोई हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते। बोलते कोई दिक्कत नहीं है, तुम मस्त रहो, चाय वाय पियो अपना, बढ़िया अपन फिर वो बातचीत करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, इंदू जी जो होती है वो इसको बोलती है कि चलो अपन लाल फाटक मार्केट है वहां चलेंगे, वहां से शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, सब्जी वब्जी सब सामान लेकर आना। तो ये बोलती है हाँ चलो ठीक है, लोकल जगह देखने को मिलेगी उसको। तो वो जाती है उनके साथ, जाती है वो सामान ग्रोसरी वगैरह सब खरीदते। फिर एक देसी दारू का ठेका आता है, तो वहां पे इंदू जी उससे बोलती है कि तुम 2 मिनट रुको मैं आती हूँ। तो वो जाती है वहां से 2 बॉटल्स खरीदती है देसी दारू की, और वो अपने थैले में रख के ले आती है। तो उसको देख के जो लेडी थी उसके मन में आता है कि यार कैसा आदमी है, एक तो दारू पीता है, दारू पी के अपनी बीवी को मारता है, उसको इतना मजबूर कर रखा है कि दारू भी उसके लिए वही खरीद के लेकर आएगी। तो उसको बड़ा बुरा लगता है अजीब सा। वो आती है, इंदू बोलते चलो, वो कुछ बोल नहीं पाती कि क्या ही बोलूं, एक पहले से प्रताड़ित लेडी जो एक्ट कर रही है, के साथ कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उसको क्या क्या करना पड़ रहा है, तो कुछ नहीं बोलती, उसके साथ में आ जाती है। आती है शाम को, उसका हस्बैंड आता है, वो वेट करती है, आती बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, इंदू जी ने 2 बॉटल खरीदी दारू की, देखो कितना ये खतरनाक कितना खराब आदमी है, ये अपनी बीवी से दारू तक मंगवाता है। अब जैसे बातचीत करे तो जैसे वापस से घमासान युद्ध शुरू हो गया और फिर से आवाज आना शुरू हो गई। तो बोले देखो कैसा इंसान है, बोले मैं तो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, एक काम करते हैं अपन दोनों चलते हैं। तो बोला कि अब वो भी थोड़ा हाँ यार रोज रोज ऐसा हो रहा, तो चलो ठीक है चलते हैं। तो जैसे ही वो अपने फ्लैट से निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गैलरी में दूसरे और फ्लैट वाले, तो उनमें से एक आदमी उस फ्लैट में निकल के मिश्रा जी के फ्लैट की तरफ देख रहा है। तो इसने अपना फ्लैट खोल के देखा, तो उसको देख के बोलता है कि क्या चल रहा है। तो बोलता जाओ जाओ अंदर जाओ। तो समझे नहीं ये लोग कुछ भी, तो और क्यों क्या हुआ, बोले जाओ अंदर जाओ। तो नहीं गए, वो खड़े रहे। फिर वो निकल के उसी के पास गया, बोले ये क्या चल रहा है, बोले इनका रोज का काम है, बोले आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बोले हम भी कुछ नहीं बोलते, तुमको अपनी सलामत चाहिए तुम भी कुछ मत बोलो, चुपचाप अपने फ्लैट में रहो। तो बोले नहीं नहीं थोड़ी ना। तो उसकी वाइफ बोलती नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, हम लोग ये नहीं देख सकते, आप लोग जाओ अपने। तो अपना फ्लैट बंद कर लेता है, ये जाके मिश्रा जी का गेट नॉक कर, तो गेट नॉक करते हैं, तो मिश्रा जी बाहर निकलते हैं। तो मिश्रा जी की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई होती है, वो देखते हुए बोलते हाँ बोलो। मिश्रा जी गेट खोलते बोलते बोलो। बोलते क्या चल रहा है, बोलो तुम्हें क्या मतलब है, अपने काम से काम रखो। वो कुछ बोल पाते उससे पहले गेट बंद करते हैं। अब उसका हस्बैंड लगता है ये तो बेइज्जती सी होगी, बोले मैं तो निकलूंगा, मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा, क्या बात करनी है, तमीज नहीं बात करने की। बोलते हाँ ठीक है चलो मैं कल इंदू जी से बात करूंगी। तो फिर से अगले दिन वही सुबह जाती है वापस, इंदू जी बिल्कुल फाइन। तो वो कुछ पूछ नहीं पाती इंदू जी से, तो ये चलता रहता है। फिर ये लोग भी नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं, फिर इन्होंने इंदू जी से बातचीत करना ही बंद कर दिया था और ये नॉर्मल सा हो गया था। फिर एक रात की बात है, नहीं हाँ उससे पहले और इंसिडेंट्स हुए। अक्षय एक दिन ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस जा रहा था तो जो गार्ड होता है सोसाइटी का, वो गार्ड से पैकेट लेके
और जा रहा था। तो अक्षय उसके नजर में थोड़ी उसकी सस्पिशियस ही चाल थी, वो इंदू जी के फ्लैट पे गया, घंटी बजाई, इंदू जी को दोनों पैकेट डिलीवर किए और वापस आ गया गार्ड। हाँ गार्ड। तो आते अक्षय ने उसको रोक लिया, बोले इधर। तो बोलते हाँ साहब क्या देने गया था? बोले साहब कुछ नहीं मैम का पैकेट था। बोले उस पैकेट पे क्या था? बोले कुछ नहीं सामान था। बोले बॉटल थी? बोले नहीं नहीं सर ऐसे सामान था। तो बॉटल बज रही थी उसने जा रहा था उसने ले लिया। बोले बता सही से क्या है? तो साहब ये तो मैम हर दो एक हफ्ते में दारू मंगाती रहती है तो वो ला के देता हूँ। तो अक्षय को भी लगा वो मिश्रा जी के लिए आई होगी। ठीक है वो अपना ऑफिस चला गया। फिर शाम को ऐसे एक दो दिन बाद वो वापस ऑफिस से आ रहा था तो उधर से मिश्रा जी आ रहे थे, उनके हाथ में एक बैग था तो बैग में वही बॉटल चलते तो बचती है। तो वो भी आ गया, और मिश्रा जी क्या हालचाल? पास में आके बोलता सब ठीक है, और आज तो घर में पार्टी वार्टी है। तो बोलता है क्यों? बॉटल्स लेके जा रहे हो ना? तो बोलता तुम्हें क्या मतलब है? तो बोलता नहीं नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वो आप मिश्रा जी हो ना, मैंने पंडित लोग हो, मैंने तो कभी सुना नहीं था कि पंडित लोग भी शराब पीते हैं। तो उसके साथ साथ फ्लैट तक पहुंचता है वो, उसका फ्लैट इधर का किधर था। तो मिश्रा जी फ्लैट में घुसते हुए बोलते हैं पता तो मुझे भी नहीं था, इतना बोल के गेट बंद कर देते हैं। उसको समझ में आता है ये कैसा जवाब है कि पता तो मुझे भी नहीं था। वो जाता है अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसी ऐसी बात थी। बोले छोड़ो ना, अब तुम क्यों इनके चक्कर में? बोलता हाँ मैं तो जी मिल गए थे इसलिए। अब अक्षय ने क्यूरियोसिटी आ जाती है क्या चल क्या रहा है, वो ड्रॉन था उस चीज की तरफ। फिर से वही उस दिन भी वही घमासान हुआ पड़ोस वाले फ्लैट में। फिर दो तीन दिन के बाद अक्षय और उसकी वाइफ दोनों सोसाइटी उसमें घूम रहे थे, तो उसकी वाइफ चली जाती तो वो अकेले दो तीन चक्कर लगा रहा था। जो चक्कर लगा था सामने चलते तो उसको दिखा कि जिनके फ्लैट से बाहर निकलते हैं वहां पे एक उस टेबल, वो क्या बोलते हैं उसको, चेयर बनी हुई थी जो पार्क में बैठते थे, बेंच। तो बेंच के ऊपर कोई बैठा हुआ है, अंधेरा ज्यादा दिखा नहीं उसे। पास में पहुंचा तो उसने देखा मिश्रा जी बैठे हैं गर्दन लटका के, वो रो रहे हैं। वो रो रहे हैं तो उनके पास में खड़ा हुआ, तो जैसे पास में खड़ा हुआ मिश्रा जी को देखो आके उससे चिपक गए, चिपक के बहुत बुरी तरह रोने लगे कि मुझे बचा लो, मैं परेशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से, ये हो गया है वो हो गया है, और तुम ही पता नहीं तुम्हारे अंदर मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तो बोलता मिश्रा जी हुआ क्या है? बोले तुम मेरे साथ चलो मैं तुमको बताता हूँ, मैं अब थक चुका हूँ, तुम पूछ रहे थे ना, चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो बोलता है ठीक है चलो। अच्छा अब मिश्रा जी के जाने, मतलब इसके जाने से पहले मैं आपको थोड़ा और बैकग्राउंड दे दूँ। ये लोग थोड़ा और फ्रस्ट्रेटेड भी इसलिए थे कि ये जो मिश्रा जी थे और जो इंदू जी थे इनकी लव मैरिज थी। मिश्रा जी कुछ अच्छा अर्न नहीं करते थे लेकिन जो इंदू थी उनके फादर का बुक्स का बिजनेस था बहुत बड़ा, तो जब वो नहीं मानी तो बच्ची की इज्जत के आगे वो झुक गए और मिश्रा जी की शादी इनसे करवा दी। तो अपनी जो एक बुक थी वो बुक शॉप इन्होंने इनको दी थी, तो इनका जो घर का खर्चा चलता था वो उस बुक शॉप से चलता था, अच्छे खासे उससे अर्निंग आती थी। तो एक तरफ जो अक्षय की वाइफ थी उसके पिता के देखो आदमी खुद कुछ कमाता जाता है नहीं, ससुराल वालों ने दे रखा है और उसके बाद भी इससे मारपीट करता है। तो अब वो पहुंचते हैं इनके फ्लैट पे, इनके फ्लैट में जाकर मिश्रा जी फ्लैट खोलते हैं, अक्षय अंदर जाता है, वो गेट बंद करते हैं। अंदर जाते हुए देखते हैं कि पूरा फ्लैट बिगड़ा हुआ है, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। वो उनके पीछे पीछे जाता है तो मिश्रा जी जाते हैं अपने बेडरूम में, बेडरूम में उसको लेकर जाते हैं। जैसे जाते हैं देखते हैं कि वहां पे जो इंदू है वो बिल्कुल बेड के बीच में बैठी हुई है, उसके बाल बिल्कुल डिसमेंटल्ड है। और जैसे वो अंदर पहुंचते हैं तो अंदर पहुंचती हुए नजर उठाती है मिश्रा को, देखती हुई बोलती है आ गया तू? इधर अक्षय की हालत खराब, दारू दे। तो अक्षय ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, वो तो ये सोचता था कि दारू तो मिश्रा जी पीते होंगे और मारते हैं। अब उसकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है, तो मिश्रा जी घबराते हैं, तो चिकन दे मुझे, तो खड़े रहते हैं वो नहीं सुनते ना, तो कुछ उठाती है आसपास जो भी मिलता है कुछ सीधा मिश्रा जी के ऊपर फेंकती है, मेरे साइड में होता है तो दीवार पे जाकर गिरता है। तो उसको रियलाइज होता है कि फ्लैट में दीवार में से जो गिरने की आवाज होती कुछ भी टकराने की वो कहां से आती थी, तो जो भी हाथ मारा वो मिश्रा जी के ऊपर फेंक रही है। मिश्रा जी बोलते ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। फिर मिश्रा जी वापस खड़े होते हैं, अक्षय बोलते हैं देखो ये है हमारे घर की सच्चाई। वो जो बैठी थी उसको मतलब नहीं अक्षय अक्षय कौन खड़ा, उसको तो चलो मिश्रा जी दिख रहे हैं। बोले सुन नहीं रहा तो मेरी बात, उठ के खड़ी होती है और मिश्रा जी के पैरों पर दो लात मारती है खींच के, मिश्रा जी के नीचे गिरते हैं फर्श पे, गिरते हैं उनके नाक से ब्लड लड़ाना शुरू हो जाता है। फिर भी वो नहीं रुकती, बोलते दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो फिर बेचारे उठते हैं वापस से, जाते हैं फ्रिज में से चिकन निकाल लेते हैं, रॉ चिकन, ऐसे दो बड़े बड़े चिकन, और लाके सामने रखते हैं और वो उन दो चिकन्स को फाड़ फाड़ के दो तीन टुकड़ों में पूरा खा जाती है रॉ। और फिर जो बॉटल होती है वो खोलती है दारू की और पूरी की पूरी दो बॉटल एक साथ खत्म करती है, एक डकार लेती है, जाके बेड पे सो जाती है। उसको कोई होश होश नहीं है।
ये सब उसकी आंखों के सामने चल रहा है, अक्षय की आंखों के सामने। उसको तो पता ही नहीं था कि ये सब क्या है, उसके लिए तो अनबिलीवेबल सी चीज थी। फिर मिश्रा जी उठते हैं, आके उससे बोलते हैं ये है मेरी जिंदगी, इतने दिनों से मैं इन सब चीजों से जूझ रहा हूँ। तो बोलते लेकिन मिश्रा जी सब है क्या? बोलते मुझे भी नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे अब और कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। अक्षय के लिए तो ये सब बिल्कुल ऐसा तो उसने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था, शॉकिंग पड़ोस में सब चल रहा है। मिश्रा से बोलता मिश्रा जी वैसे तो मुझे इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर मैं जो भी कर सकता हूँ ना मैं आपके लिए जरूर करूंगा, आप अभी अपने आप को संभाल के रखो। इतना बोल के वो चला जाता है, पहुंच के अपनी वाइफ को बताता है कि भाई सब ये सब चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो उसकी वाइफ जो थी वो थोड़ी बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। अच्छा उसी में एक और चीज थी कि इंदु से वो कई बार बोलती थी भगवान की पूजा करने को, कि इंदु को कभी कंसीव जो मिसकैरेज हुए थे तो उसने पूछा था कि आपको बच्चे नहीं हुए, तो बोलती कि एक बार कोशिश की थी, दो तीन बार मिसकैरेज हुआ, फिर हमने ट्राई करना बंद कर दिया। तो उसने कहा था कि मनसा देवी का एक मंदिर है, आप वहां पर जाओ, वहां पर जाके पूजा करो, आपको बच्चा जरूर मिलेगा। मेरे बहुत सारे रिलेटिव थे इनके बच्चा नहीं हो रहा था, वहां गए और एक साल के अंदर अंदर वो सब माता पिता बन गए। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं भगवान भगवान नहीं मानती, सब कुछ नहीं होता, ये सब पहला इंसिडेंट हुआ था। तो आज वो सब डॉट्स कनेक्ट कर पा रही थी, उसको पता लगा। तो उसने कहा कि ठीक है अपन कुछ करते हैं। तो उन्होंने आप बातचीत की, पता की, तो उनको एक मौलवी जी का पता लगा कि मौलवी जी बहुत बढ़िया और वो इन चीजों से हैंडल करते हैं। तो ढूंढ डांड के उनसे बात की, उनको बात करके मिश्रा जी को मिलवाया। फिर मिश्रा जी मिलवा के वो बोलते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो लोग वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना प्रॉपर वो सारा सेटअप किया, बैठे और वो कुछ सामने वही मिश्रा जी की इंदुमती वहीं बैठी हुई थी इंदु, और उन्होंने अपने कुछ वो मंत्र रिसाइट करना शुरू किए। पहले 5-7 मिनट कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 7-8 मिनट के बाद अचानक से हुई इंदु के अंदर वो वाइब्रेशन आना शुरू हो रहा, ऐसे घूमना घूमना शुरू हो गई। और जैसे वो घूमना शुरू हुई, घूमते घूमते फिर एकदम से उसकी बॉडी से आर्क हुई, दोनों हाथ आगे रखे, बाल आगे करे, यूं बैठ गई। अब बाल यूं आगे हैं लेडी के और यूं बैठी हुई है। और फिर वो मौलवी जी तरफ देख के और फिर एक मर्दाना आवाज में बोलती है, अच्छा जैसे मैं आपको बताया इंदु जी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन आज वो इंग्लिश में बोल रही थी, आई कंज्यूम यू ऑल, give me food, I'll consume you all। अब उन दोनों को समझ में नहीं आता है कि क्या है, तो अक्षय की तरफ देखते हैं, तो अक्षय को समझाता है कि भाई ये सब बोल रहा है कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। तो मौलवी जी बोलते हैं ठीक है अब शांत बैठो, मैं वापस। तो फिर वो और अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर से वापस से वो खड़ी होती है और खड़ी होकर पूरे रूम के अंदर घूमना शुरू करती है उनके चारों तरफ। वही चीज बोलता है, I'll consume you all, give me food, I'll kill you all, give me food। तो जो भी कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, वो उठे और वो वापस मौलवी जी को समझाए कि ऐसी ऐसी बात हो रही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उसको फूड नहीं मिलता है तो वो क्या करती है कि वो जो मौलवी जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे वो मौलवी जी के ऊपर चार्ज हो जाती है, उसी तो आती है और उनको पकड़ लेती है, और पकड़ के और उनके साथ मारपीट करना शुरू, मतलब सामान वान सब फैला देती है और उनको मारपीट करना शुरू होती है। और वो मौलवी जी भी टिके रहते हैं उसको पकड़ के बिल्कुल ऐसे कि वो मंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं। बट अल्टीमेटली वो जैसे पकड़ते हैं उसको, तो इधर से अक्षय और इधर से मिश्रा जी उसको पकड़े खींचने की वापस कोशिश करते हैं। जैसे अक्षय उसका हाथ पकड़ता है, वो अक्षय का हाथ पे यूं पंजा मारते हैं, यूं खींच देती है, खींचते हैं नाखून के साथ उसका फ्लैश बांध के लिए ब्लड निकल जाता है। वो तो अपना हाथ पकड़े पीछे बढ़ जाता है, उधर मिश्रा जी उसको पकड़ के रखते हैं कि नहीं 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 उसको उन्होंने तो फेस किया हुआ था। वो मिश्रा जी को पीटती है बढ़िया से, मिश्रा जी छुड़वा के सीधा मौलवी जी के ऊपर कूद जाती है, वो मौलवी जी पीछे बच के निकलते हैं। फिर वापस से दोनों हिम्मत करके उसको पकड़ते हैं। अब वो तो मतलब ना हाथी की स्ट्रेंथ, पकड़ के पीछे लेकर गए उसको और गुस्सा आ गया, उसने एक हाथ तो यूं खींचा और एक हाथ यूं खींचा, इधर से गए अक्षय इधर से गए वो मिश्रा जी, दोनों नीचे गिरे हुए और जाके फिर वापस से मौलवी के ऊपर चार गए। तो मौलवी जी तो सब पका गए, वो तो जैसे तैसे करके उसको धक्का मार के बच के सीधा घर से बाहर भाग गए। और बाहर भागते एक ही बात बोले कि मैंने आज तक इतनी ताकतवर शक्ति देखी, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो भाग गए। वहां वो भाग गए और इधर से मिश्रा जी की पिटाई चाल। मिश्रा जी बेचारे जैसे तैसे करके उन्होंने दारू की बोतल निकाली, दारू की बोतल ली, दारू की बोतल पी, दारू बोतल पीते वापस, मतलब फिक्स था 2 बोतल दारू की दे दो और पी के और शांत हो जाएगी, सो जाएगी। उसको मीट चाहिए और उसको दारू चाहिए, दो चीज। अक्षय जाके अपना हाथ वाथ उसने किया, शॉक था कि मतलब क्या ही चल रहा है जिंदगी में। तो अक्षय ने पूछा कभी मिश्रा जी से कि आपने शादी जब कर रहे थे तो आपने ये कब से शुरू हुआ? Exactly, इसके बाद यही हुआ। वो मिश्रा जी को अपने घर ले गए,
अपनी वाइफ के साथ बिठाया, उसकी पट्टी उट्टी हुई है। तो उन्होंने कहा मिश्रा जी सब क्या चल रहा है, पहले मुझे बताओ आप। मिश्रा जी बोलते हैं कि ये सब 9 साल से चल रहा है, मुझे तो मतलब कुछ आइडिया नहीं था। बोले हुआ क्या था? बोले हमारी शादी हुई थी तो मुंबई जो था वो इसका ड्रीम प्लेस था, जहाँ पे घूमना चाहती थी। तो शादी के बाद हम लोग ने 1 महीने तक तो हम कहीं नहीं गए थे, हमारा प्लान था कि 1 महीने बाद ही हम हनीमून पे जाएंगे। तो मैंने मुंबई का ही सिलेक्ट किया। तो मुंबई का कोई मुंबई गए, वहां पर 4 दिन रहे थे मुंबई में ये, और बढ़िया से हम लोगों ने अपना 4 दिन का टाइम स्पेंड किया। लेकिन जब से वहां से वापस आई ना, तब से इसके अंदर अजीब से चेंजेस चालू हो गए थे। ये आई तो ये इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया इसने। इसने अपनी लाइफ में कभी भी मीट मांस को हाथ नहीं लगाया, लेकिन इसने मीट खाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये वापस आए उसके बाद ये प्रेग्नेंट भी हुई। तो प्रेग्नेंट हुई तो 4 या 5 महीने बाद इसका मिसकैरियज हो गया। तो मिसकैरियज होने के बाद इसके अंदर ये चेंजेस आए, ये मीट खाना शुरू कर दिया इसने। तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं डॉक्टर्स के पास गया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसका भी मिसकैरियज हुआ है, उस स्ट्रेस के अंदर ये मीट और अल्कोहल दोनों कंज्यूम करना से शुरू कर दिया है। तो लगा ऐसा हो सकता है। फिर ये मारपीट चालू हुई, नहीं देते थे तो मारते थे, अगर उसको मना कर दो मीट तो बिल्कुल पागल से जाती थी। तो साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो उसने भी ये कहा कि इसको तो मतलब डिप्रेशन में, बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन है, अगर आप इसको मना करोगे तो वैसा होगा। तो कई दवाइयां दे रहे हैं, बाकी इसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। दवाइयां देते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद रात को ये होती थी, दिन में नॉर्मल रहा करती थी। उसके बाद 2-3 बार और कंसीव हुआ इनको, लेकिन हर बार इनका मिसकैरेज होता 3-4-5 महीने के अंदर अंदर। तो ये कहानी बोले 9 साल से चल रही है, मेरी जिंदगी नर्क बनी हुई है। मतलब मैं जानता हूँ कि मैं हर रात कैसे गुजारता हूँ, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है कभी मैं जिंदा ही ना मिलूं अपने फ्लैट के अंदर। तो उसने बोला कि देखिए मिश्रा जी, मैं समझ सकता हूँ आप किस चीज से गुजर रहे हो, लेकिन मेरे बस की बात तो नहीं है। आज मैंने देख लिया है, आपने भी देख लिया है कि मैं तो इंसान हूँ, मैं इस सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करूंगा और आपकी मदद करूंगा। तो बोला कि नहीं यार, तुम अपनी फैमिली को संभालो, मेरी वजह से तुम वो नहीं कर सकते, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो अपने अब नियत है, नियति है, वो जो होगा हो जाएगा, तुम अब इसमें मत पड़ो। मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में तुम्हारी फैमिली खराब हो। उसकी वाइफ ने बोल दिया तुम छोड़ो, अपना हो ही जाता है आदमी का। लेकिन अब वो ये कहीं कहीं किसी किसी इंसान के कर्म होते हैं और कुछ नियति लिखी होती है, तो उसको संभालने के लिए कोई ना कोई आता है। तो इसके इंसिडेंट के 8-10 दिन के बाद की बात है, तो एक बाबा थे साधु, वो आए, अक्षय वहीं पे था। तो अक्षय घर पे आया तो उनके डोर नॉक किया, तो साधु आया, साधु ने अक्षय के घर को खटखटाया और खटखटा के पूछते कि मिश्रा जी यहीं रहते हैं? उसने बोला नहीं, पास में रहते हैं। अच्छा, इतना बल को चले गए? तो अक्षय उनके बीच में चला गया। तो उन्होंने उसका गेट खटखटाया, गेट खटखटाते मिश्रा जी ने गेट खोला। गेट खोलते साधु उनको बोलते हैं और देख कर बोलते हैं, कब से परेशान है बालक और कब तक तू इन समस्याओं से जूझता रहेगा? एक काम कर, तेरे को अगर कोई बचा सकता है तो वो है मेहंदीपुर बालाजी, चुपचाप मेहंदीपुर बालाजी चला जा। अच्छा, ऐसा था ना, आपसे मैं बात करता हूँ, आपके बैक फ्रेम में इंदु खड़ी हुई थी। अक्षय सब ऑब्जर्व कर रहा था। इंदु जैसी आ रही थी, आते आते जैसे देखा कि सामने एक साधु बाबा खड़े हुए, उसने अपने पैर पीछे लेना शुरू कर दिया और वो उनसे आंख नहीं मिल रही थी, नीचे आंख करके और पैर पीछे, जैसे चुपचाप से निकलता ना पतली गली से, तो ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी। कदवा ने आंख से देखा और बोला, जितना जल्दी हो सकता है मेहंदीपुर चला जा, बस वहीं तेरी समस्या का हल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इतना बोल के वहां से चले गए। उनको किसने भेजा पता नहीं, वो वहां क्यों आए? तो इधर अक्षय जब जा रहे तो अक्षय भागता है उसके, बाबा जी आप कौन हो और आप यहाँ क्यों आए? तो बोलते मैं संगम में आया था, जो अपने प्रयागराज में होता है, तो वहां से यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई बहुत भारी शक्ति है, तो मैं आया, मैंने आके देखा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी तो उनको सेंस हो गया, साधक होते हैं तो वहां से गुजर रहे थे, उनको सेंस हुआ कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है, कोई जिसने किसी को परेशान कर रखा है। तो आए, आके उन्होंने सेंस किया, उसी जगह पर उनको दिखी, तो उनके उसका फ्लैट नॉक किया, फिर उनको बता के अब अक्षय ने सुन लिया, वो मिश्रा जी को बुलाता है वो बाहर। फिर मिश्रा जी ये तो अपने आप चल के आए हैं, किसी ने भेजा नहीं है, आप मेहंदीपुर वाले जाना चाहिए। अब मेहंदीपुर बालाजी का नाम पहली बार इन लोगों ने सुना था, अक्षय ने भी और मिश्रा जी ने भी, कि लाइफ में पहली बार क्या होता है। तो उसकी जो वाइफ थी वो अपने मायके चली गई थी,
तो एक दिन के बाद वो आने वाली, तो उसको फोन किया तो उसने बताया कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ उसके बारे में, और वो आती है। ऑल दो अक्षय और उसकी वाइफ एक बार भी चीज फेस कर चुके थे, बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी उन्होंने, नहीं यार ठीक है पड़ोसी की मदद करना बहुत जरूरी है, तो बोला कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो ये डिसाइड हुआ जो लोगों से उन्होंने बात की कि भाई जिसको भी लेके जा रहे हो ना, जिसके अंदर कुछ है या कुछ लग रहा है आपको, उसको मत बताना वरना पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इन सबने दिन में बैठ के जब इंदु नॉर्मल हुआ करते, बोले एक ट्रिप प्लान करते राजस्थान घूम के आएंगे। तो वो भी तैयार हो गई, तो बोले ठीक है ट्रिप प्लान हुई। चुपचाप ये लोग गाड़ी में बैठ के और वहां पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी। तो दिन में नहीं होता था कुछ? नहीं दिन में, दिन में एकदम नॉर्मल नॉर्मल रहा करते थे। तो वो लोग पहुंचे वहां पे दिन में, पहुंचने के बाद उन्होंने बातचीत की, तो बातचीत की उनसे पंडित जी से जो वहां के आज वो होते हैं महंत वगैरह, तो उन्होंने बोला कि देखते हैं क्या है इसके अंदर। और सारा उन्होंने चेकअप किया, बोलते आज रात शाम के टाइम पूजा करेंगे, लेकिन उस पूजा में आप लोग नहीं आओगे। तो बोलते क्यों? बोले देखो इसके अंदर जो शक्ति है ना वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, और हम हमारे जो तरीके हैं हम इससे मारपीट भी करेंगे, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप देख नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप लोग बाहर। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं आपको जो करना है हमारी आंखों के सामने करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको मारना है पीटना है कुछ भी करो, लेकिन होगा हमारी आंखों के सामने। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बिठाया उसको इंदु को, उसको पैरों को हाथों को सबको जंजीर से बांध दिया, मोटी मोटी सांकले, सांकले बोलते हैं राजस्थान जंजीर को, तो सांकलों से बांध दिया। और उसके बाद उनके शिष्य होते हैं जो चार पांच वो थे वहां पर, वो जो मेन पंडित थे वो थे, तो उन्होंने बिठा के हवन लगा के और पूजा करना शुरू किया। पूजा करने से शुरू हुई, मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, 5-10 मिनट के अंदर उसके अंदर उपदेशन आ गया और वो बुरी तरह से बिल्कुल पागल सी हो गई। जैसे पूजा बढ़ती रहती उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती, वो इंग्लिश में बोलती I'll consume you all, मैं सबको खा जाऊंगा, मतलब सब इंग्लिश में बोल रहा था। और फिर एक मोमेंट आया उसने वो सांकले तोड़ दी, और तोड़ के सीधा वो जो पंडित जी थे उनके ऊपर हमला करने के लिए भागी, लेकिन वापस से वो चार शिष्य उन्होंने फिर पकड़ लिया, फिर से उसको बांध दिया। तो करीबन 2-3 घंटे तक ये सब चला, हर बार वो इतनी मोटी मोटी जंजीर को यूं कहीं तोड़ देती खींच के और फिर वापस उनके ऊपर चार्ज करती थी। फिर कहीं 2-3 घंटे के बाद पूजा वूजा खत्म हुई, वो बिल्कुल बेहोश हो गई। उसके बाद जो महंत थे वो आए, उन्होंने बोला कि अभी ठीक है तुम लोग अब घर चले जाओ, और घर जाकर जाओ घर पे, जाते जाते हनुमान जी का जयकार लगा के जाना, और ना कोई प्रसाद यहाँ से लेके जाना ना पीछे मुड़ के देखना। तो वो सब हुआ, वो ठीक हुई। अब बात अभी क्या था क्या नहीं था, तो फिर उन्होंने पूछा कि सभी था क्या, ये सब मतलब हुआ क्या है। तो बोलते हैं कि ये बंबई गए थे, वो जो महंत थे उन्होंने बताया, इन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं बताया था उनको, बस उन्होंने आए बोले ऐसा ऐसा पोजिशन है, बस इतना ही बताया था। तो महन जी ने सारी पिक्चर बताई कि ये गए थे बंबई, महन जी कौन मेन जो उन्होंने पूजा की थी, उन्होंने बताया इनको कि ये बंबई गए थे, तो बंबई में ये लोग घूम रहे थे, तो ये कहीं से जा रहे थे, तो वहां पर एक ये देशपांडे नाम था इस एंटिटी का, तो इसका एक्सीडेंट होकर इसकी मौत हो गई थी और इसकी क्रियाक्रम नहीं हुआ था इसका, तो ये वही भटकता था, तो इसकी वाइफ का उससे इंटरेक्शन हो गया और इसकी बॉडी के अंदर ही आ गया तब से। अब ये जो देशपांडे है ये मीट और दारू इसको बहुत पसंद थी, तो जैसे आया इसको मीट चाहिए था, तो जब ये आया तब तक इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो सबसे पहले इसने उस बच्चे को खाया, फिर उसके बाद इसकी वो बड़ी, तो इसको दारू मीठी इसकी आदत बन गई खाना, फिर जितनी बार ये कंसीव होती हर बार ये खा जाता बच्चा, खा जाता उनको, तो इसलिए कभी भी ये मां नहीं बन पाई। और उसके बाद ये जो सबको चल रहा है ये इसी वजह से चल रहा है, तो ये दारू और मीठी इसलिए खाती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है, अब तो बाबा का नाम लो जयकारा लगाओ और यहां से चले जाओ। तो उसके बाद ये लोग निकले, तो किसी ने पीछे मुड़कर देखा और सब चलते देखी से बोलते सिया के रामचंद्र की जय, और सबसे तेज कौन बोल रही थी इंदुमती। तो यहाँ जाके उनका ये सारा स्टोरी खत्म, उनकी लाइफ जाके वापस ठीक हुई, उसके बाद दोबारा कभी उसका वो बिहेवियर नहीं था, और बच्चा भी कंसीव हो गया होगा आई डोंट नो उसके बाद का, तो ये जो था वो वहां का इंसिडेंट था, तो जो उन लोगों के साथ हुआ। तो ऐसे एक्सट्रीम इंटेंस एक्सपीरियंसेस भी लोगों के होते हैं। हाँ, काफी खतरनाक सी कहानी थी ये, मतलब और आपने जैसे सुनाई मैं पूरा इमेजिन कर पा रहा था, छोटी छोटी चीज भी, ये हाँ ये हो रहा था ये हो रहा था, जैसे बाबा बाहर खड़े हैं वो ऐसे नजर चुरा रही है अपनी और इधर जा रही है, तो वो पूजा वाले जो केस होते हैं जहाँ बैठ करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम वो रहता है, वहाँ हर कोई अलाउड भी नहीं हो, देख भी नहीं पाता, कमजोर दिल वाले तो वो सब देख ही नहीं सकते। जैसे हमारे कोटा के अंदर भी एक हमारे गोदावरी धाम है, तो वहां पे आप रात को शनिवार को चले जाओ 11:30 बजे बहुत भीड़ लगती है, तो उसमें एक सेक्शन होता है लड़कियां से पकड़ के अपना सिर घुमा के पकड़ते रहती है। हम एक दो बार गए हैं, अब कई बार तो क्या होता है वो जो म्यूजिक होता है ना वो
ढोल वाला कंट्रोल नहीं अपने माइंड पे वो करना शुरू कर देते। बट स्टिल जो भी है ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं। आपके साथ कभी हुआ है? आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? इस इंटेंसिटी से नहीं किया कभी मैंने, लेकिन बचपन में एक मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, तो वहां मैं बड़ा हेलुसिनेट करता था। हेलुसिनेट करता था या सच में होता था मुझे पता नहीं, आज के टाइम पे वो कट गया है। लेकिन एक इंसिडेंट बहुत स्ट्रांगली याद है मुझे, जहां पे मैं अपने नेबर के घर के ऊपर बैठा हुआ था, छत थी उनकी और झूला था, राजस्थान के ही थे वो। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि रात में झूले पे नहीं बैठते, नहीं बैठना चाहिए, साया चिमड़ जाता है, चिपक जाता है। तो और मैं छोटा सा बच्चा था फिफ्थ क्लास में, मैंने कहा वैसे ही डर रहा हूँ मैं पेड़ से, मैंने कहा अपने डर को भगाने के लिए मैं बैठ गया झूले पे, झूल रहा था। और झूलते झूलते मैंने उसको पेड़ को देखा, पीपल के पेड़ को, तो एकदम से इतना भयंकर मुझे दिखा कुछ सफेद सा साया कि फ्लैशेज में आ रहा है मेरे पास। और जैसे वो मेरे पास आया फ्लैशेज में, झूले की एक साइड की चेन टूट गई और झूला झूले से नीचे गिर गया। अब वो कोइंसिडेंस था, हेलुसिनेशन और कोइंसिडेंस था, वो क्या था, लेकिन बहुत हैवी फील हुआ था उसके बाद। फिर मैं ट्रॉमा रहेगा, होगा लाइफ ट्रॉमा रहेगा वो तो अभी भी, मतलब ऐसी तो हॉरर की कहानी की स्टार्ट ही ऐसे हुई कि ये हुआ, उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा याद करी कि मैं डर भगाऊंगा अपने अंदर का। उसके बाद मैं मूवीज देखने बैठ गया रात रात में, फिर मैं दिल्ली गाजियाबाद के आसपास के ग्रेवयार्ड वांटेड लोकेशंस रात रात में अकेला जाने लगा। ग्रेवयार्ड कभी कुछ ऐसा फील हुआ? यार दिल्ली का एक मलचा, मतलब मलचा महल है यहाँ पे, वहां पे जाके मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब बहुत। तबीयत कैसे, मतलब क्या हुआ? तो वहां पे गया मैं, तो गर्मी का टाइम था, एक तो ठंड लग रही है एकदम से, अच्छा। फ्लैशेस से गुजर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगा था कि वहां पे बिल्कुल ऐसी फील हुआ। और उसके बाद सर एकदम से, जैसे ऐसा लगता है ना आप कहीं बहुत ही पहाड़ी जगह पे गए हो, ऊपर पहाड़ों में गए हो, कम हो गई ऑक्सीजन और हो गया, बहुत भारी हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसा सा जोन आ गया। तो उसके बाद टाइम क्या था? ये तो रात के बज रहे होंगे, एक डेढ़ बज रहे होंगे, एंड उसके बाद नहीं होंगे आप कभी? उसके बाद नहीं गया कभी। उसके वो मेरा करीब 7 दिन तक बुखार था मुझे, और वैसा ऐसा भी बुखार नहीं था कि 99-100 वाला बुखार था, 103-104 टाइप बुखार था। एड्रेनलिन रश हो जाता है ना जो बॉडी में, तो उसकी वजह से।